अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो संशोधन बिल जो लाया गया है साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की है, हिंदुस्तान को दिशा देने की बात की है। साथियों, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि हमें हिंदुस्तान से निकालने की साजिश की जा रही है, परंतु इस संशोधन में ऐसा, इस बिल में, इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जो साथियों सीमा लांघ करके हिंदुस्तान के अंदर गलत तरीके से घुसे हैं, उन लोगों को बाहर करने का रास्ता जरूर इसमें दिखाया गया। परंतु मैं आज इस कैथल की भीड़ के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं साथियों, उन भाइयों को भी, कि ये आज मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान नहीं है, आज ये जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, आज ये गांधी वाला नहीं है, आज साथियों हिंदुस्तान है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आज हिंदुस्तान है साथियों अमित शाह जी का। साथियों उन आदमियों को मैं, उन साथियों को बता देना चाहता हूँ कि वो आपने देखा होगा हर रोज टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आते हैं, दो चार टुच्चे टुच्चे लोग धमकी देने का काम करते हैं। मियाँ जी, अब ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी का है, अगर इशारा हो गया ना, एक घंटे के अंदर सफाई कर देंगे, आपकी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसलिए साथियों आज सभी हिंदू भाइयों को, भारतीयों को कहूँगा मैं, उसमें मुस्लिम भी आता है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम सभी हिंदुस्तानियों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और ये जो असामाजिक तत्व बाढ़ फांद करके अंदर आए हैं साथियों, उनको सफाया करने का समय आ गया है। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई जी की तरफ से जिस प्रकार का भी पैगाम आए, उसमें 24 घंटे के लिए तैयार रहने की आज आपको, हमारे को आवश्यकता है। आपने हमारी बात सुनी। जय हिंद, जय।